ये बहुत सारिया कहानियां जड़िया सिलेबस नहीं पढ़ाई जाए। आम तौर पर सिलेबस वह होंगे जिस तरह की सरकार होंगी, किताबा वक्त दर वक्त बदलदिया रहनिया, बहुत चीज़ा फिर वर्बली आनी है जो साढ़े बजुर्गों ने सानू दसिया, उन्होंने अगर पेरेंट्स ने उन्होंने दसिया। कई बार कई लोग मिथ कह देने पर सच्चिया कहानियां क्योंकि पिछली सदी च वापरिया। सो ये बहुत खूबसूरत गाथा है और ये पूरी पड़चोड़ करके यदि रिसर्च करके इन बनाया गया। साढ़े तक कह रहे सहा चाहे किस्से बहुत इस तरह के, पर क्योंकि तुसी दिल्ली दे तो तुसी ये चीज़ा नहीं पढ़िया, इस करके जब तुसी देखोगे थोड़ा पूरा 100 साल पुराना इतिहास थोड़ी अखा समझ आएगी। बबू मान सर इधर सामने, इस फिल्म में ये किरदार प्ले करने के लिए आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर, और कितना आपने स्टडी किया कैरेक्टर को? ये छोटे भी पंजाबी तो समझ लेने सारे जी। ये दो उत्तर हो सकते हैं। पहली उत्तर बहुत बड़ी गप होंगी है जिदा हीरो मारता पै के प्रेस के मूहे, मैं ये नहीं किया क्योंकि असी उन्होंने खित्या चो हैं, उन्होंने इलाकों चो हैं जितों की यह गाथ है। सो साडे जिहड़े सुभा है बचपन तो थोड़े जे ऐसे तरह के हैं, गलत नू गलत कहना, सही नू सही कहना। सो साडे लिए सौखे हैं किरदार निभाने क्योंकि साडे बाबे दादे असी देखे हुए हैं, सो वह दास्ताना साडे हड्डां च रचिया हुई हैं। दूजी गल होंदी है कि जिहड़ी स्क्रिप्ट है किन्नी जहीन है ते किन्नी बारीकी नाल लिखी है, क्योंकि साडा पेशे गाउणा लिखणा है, तो लिखण वाला सुभाविक तौर पर बेशक कोई नॉवल लिख